नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं बुलेटिन से जुड़ी खास खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार थमने के ठीक पहले राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने आम सभा के दौरान एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने कांग्रेस और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष तथा स्वतंत्र प्रत्याशी राजीव यादव पर जमकर हमला बोला, तो वहीं राजीव यादव ने सभा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी नीना वर्मा पर कड़ा प्रहार किया। आपको बता दें कि 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जिसके चलते आज चुनाव थमने के पहले विक्रम वर्मा ने एक सभा को संबोधित करते हुए स्वतंत्र प्रत्याशी राजीव यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारी पार्टी से एक बागी होकर चुनाव लड़ रहा है जो चूहे की तरह है, चूहा पौवा पीकर खूब कूदता है। तो वही राष्ट्रवादी स्वतंत्र प्रत्याशी राजीव यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी नीना वर्मा पर हमला बोला। राजीव यादव ने कहा कि धार में वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति चल रही है, जिसको खत्म करना जरूरी है। धार भोज की नगरी है, इसे विक्रम नगरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम नहीं होने देंगे। स्वतंत्र प्रत्याशी राजीव यादव ने कहा कि मैं विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं, धार में परिवारवाद को खत्म करना है। आइए आपको भी दिखाते हैं आज धार नेताओं ने दूसरे पर किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की जड़ी लगाई है। आप ही देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जिसकी वाणी, जिसकी भाषा, इतने तरह की गाली तो कभी हमने जीवन में नहीं सुनी। जितने प्रयोग, जितनी विभिन्न प्रकार की गालियां उस ऑडियो में सुनाई दे रही थी कि भगवान पूरी डिक्शनरी बन जाए गालियां क्या होती है। अब गाली पे भी कांग्रेस के आदमी ने PhD करना चाहिए कि और उसके लिए गाइड बाल मुकुल गौतम को बनाना चाहिए कि कितने तरह की गाली दे सकते हो, देव हम इस पर रिसर्च करेंगे। शर्म नहीं आती। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़ने चले, परिवार को चुनाव लड़ा रहे हो, महिला को चुनाव लड़ा रहे, और सारी गाली महिला के नाम पे थी। सारी गाली के मुख्य जो थे बात, और एक तरफ मातृशक्ति की बात कर, और इससे भी बड़ी शर्म की बात क्या होगी भैया, आपने उनके गाड़ी के पीछे पोस्टर देखा है? पोस्टर पे क्या लिखा है? जननायक, जननायक। अब जननायक की परिभाषा बदलना पड़ेगी। जो 307, 302 का मुलजिम हो, जो गालियां देने में एक्सपर्ट हो, वो जननायक होगा, और सेवा करने वाला विक्रम वर्मा खलनायक होगा। शर्म भी नहीं आती लोगों को? अरे जनता आपको जननायक बोले। आज मेरे बारे में लोग कहते हैं साहब विकास पड़ोस, मैंने कभी नहीं बोला आपने आपको। ये हमारा कर्तव्य फर्ज है। क्या के लिए विधायक बनते हैं? विधायक बनते हैं इसलिए कि विकास कर। अब एक दूसरे उम्मीदवार खड़े होंगे हमारे घर में से निकल के, कभी कभी चूहे जो है वो एक पौवा लगा ले तो शेर समझने लगता है। तो बोलते गए, कोई भी राजनेता जो अपनी बेटा बेटियों को आगे बढ़ाना, अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाना है, उधार का भला कर सकता है क्या? उधार का भला भी नहीं कर सकता। इस देश का बहुत नुकसान हुआ है मित्रों, निश्चित तौर पर इनको उधार करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर आपके संकल्प क्या करते हैं। एक मेरी शिकायत लिखी है इन्होंने, शिकायत में यह लिखा है मेरे पास तो गंगा जल है 12 ज्योतिर्लिंग का, वो आपके खंडन से करना, संकल्प के साथ जल कराकर जाना वोट डाल ले, संकल्प के साथ जल कराकर जाना वोट डाल ले। निश्चित तौर पर हम सबकी जीत होगी, धार की जीत होगी, धार नंबर वन बनेगा। जय भारत, वंदे मातरम। एक बार बोलो भारत माता की। मैं दादा ने बोला कि गारंटी लो, मैं गारंटी लेता हूं, विश्वास दिलाता हूं, संकल्प के साथ उतरा हूं कि नर्मदा का जल हर घर घर में पहुंचा के रहूंगा। मेरा निशान है 10 नंबर पर माचिस का, जो अंधकार को मिटाएगी, घर घर दीप जलाएगी, अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाएगी। जय भारत।